गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी डिनोट करते हैं इसको कैपिटल जी से। इसके बारे में पढ़ते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी फ्रीली अवेलेबल होती है काम करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं? फ्री एनर्जी या फिर गिब्स फ्री एनर्जी। द एनर्जी विच इज फ्रीली अवेलेबल फॉर डूइंग अ वर्क इज कॉल्ड अ फ्री एनर्जी। तो अगर हम वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। समझ रहे हैं कि हमारी बॉडी में एक एनर्जी है हमारी बॉडी में कि फ्री एनर्जी होती है, जो हम इजिली अपना डेली वर्क करते हैं तो उसी के हम जो डेली वर्क करते हैं वो उसी के वजह से करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा कम होगी। और अगर हम कम वर्क कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी क्या होगी? बची रहेगी। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि जितना हमने वर्क डन किया है, वर्क ऑप्टेन किया है, उतनी ही हमारी एनर्जी क्या हुई होगी? कम हुई होगी। तो यूजफुल वर्क ऑप्टेन बाय सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो वर्क डन को हमने डब्ल्यू से डिनोट किया और फ्री एनर्जी को हम डिनोट करते हैं जी से। ये माइनस साइन लिखा है बिकॉज ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है माइनस का पी डेल वी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन हमने प्रूफ किया था, तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो पी डेल वी हमारे पास आ गया जी के बराबर। किसके बराबर आ गया? जी के बराबर आ गया। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि एक रिलेशन आता है कि जी बराबर एच माइनस टी एस। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है काफी। यहां पे जी से हमने डिनोट कराया फ्री एनर्जी को, एच से हमने डिनोट कराया इंथेल्पी को, जिसे हम बोलते हैं टोटल एनर्जी, इंटरनल प्लस पीवी एनर्जी। टी है टेम्परेचर और एस है यहाँ पे एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है अनयूज्ड एनर्जी। क्या है? अनयूज्ड एनर्जी है। और जो यूज्ड एनर्जी है तो वर्क डन में चली गई, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम इस रिलेशन को, फ्री एनर्जी को हम इस रिलेशन से डिफाइन करते हैं कि जी बराबर एच माइनस टी एस। यहाँ पे जी क्या है? जी है यहाँ पे फ्री एनर्जी। जैसे कि हमने बात की कि हमने हमें पता है कि जैसे इंटरनल एनर्जी होती है, हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ही निकाल सकते हैं, एक्यूरेट वैल्यू ही निकाल सकते हैं, सिर्फ हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं। तो हम इसी वजह से इंथेल्पी की भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता पाते हैं, हम सिर्फ चेंज इन इंथेल्पी बता पाते हैं। और जब हमें इंथेल्पी की ही एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता है तो हम फ्री एनर्जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू ही निकाल सकते हैं, सिर्फ हम चेंज इन फ्री एनर्जी डेल जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डेल्टा जी। हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? डेल जी निकालते हैं। तो ये हो जाएगा डेल जी बराबर डेल एच माइनस डेल टी एस। अब यहाँ पे क्या होगा? इसमें हमने क्या लगाया? प्रोडक्ट रूल ये लगाया कि डेल टी एस, तो टी डेल एस माइनस एस डेल टी, फर्स्ट टर्म डिफरेंस चेंज इन एनर्जी ऑफ सेकेंड टर्म, और ये प्लस सेकेंड टर्म चेंज इन फर्स्ट। ब्रैकेट खुला तो ये दोनों क्या हो गए? सॉरी दिख नहीं रहा है। ब्रैकेट खुला तो ये दोनों क्या हो गए? माइनस के हो गए। तो डेल जी जो हमारे पास आ गया वो आ गया डेल एच माइनस टी डेल एस माइनस एस डेल टी। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर की अगर हम बात करें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे डेल टी कितना होता है? जीरो। तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो डेल जी हमारे पास आ जाएगा डेल एच माइनस टी डेल एस। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बराबर चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी। और इसी को हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। क्या बोलते हैं? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ध्यान रहेगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, या स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या क्या कंडीशन होगी, तो वो भी हम इसी इक्वेशन की मदद से निकालते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की मदद से। जैसे हमने अभी बात की डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। तो हमेशा ध्यान रखना है अगर टी डेल एस की वैल्यू डेल एच से ज्यादा होगी तो डेल जी कितना नेगेटिव आएगा, और जब डेल जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। बट अगर हम इसका उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है, इसका उल्टा क्या पढ़ते हैं कि अगर टी डेल एस की वैल्यू जो है वो कम है डेल एच से, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। तो यहाँ पे देखिए टी डेल एस की वैल्यू क्या है? कम है, और डेल एच की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो डेल जी क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो ध्यान रखना है रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और अगर टी डेल एस डेल एच के बराबर होगा तो डेल जी कितना आएगा? जीरो आएगा। चेंज इन फ्री एनर्जी कितनी आएगी? जीरो। तो उस केस में जो रिएक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो हो सकता है कोई भी हमसे पूछ सकता है कि क्या कंडीशन होगी कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी, कि प्रूफ करो कि ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है डेल जी की वैल्यू जो है वो जीरो है। कितनी है? जीरो है। और अगर हमें बोलते हैं कि प्रूफ करो कोई रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो हमें क्या प्रूफ करना है? डेल जी पॉजिटिव आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं डेल एच की वैल्यू ज्यादा है और टी डेल एस की वैल्यू क्या है? कम है। ये बोल सकते हैं हम डायरेक्ट।
अच्छा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को हम डेल जी से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को हम डेल जी नॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डेल जी नॉट से डिनोट करते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, के से डिनोट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो के इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन मानी कि ए प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन सी प्लस डी, ठीक है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ बिकॉज ये सिलेबस में नहीं इलेवंथ के, बट इसका यूज है यहाँ पे। तो मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी कि डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम। डेल जी का मतलब है चेंज इन फ्री एनर्जी और डेल जी नोट का मतलब है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, या चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल जी नोट। आर हमारा गैस कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है, नेचुरल लॉग ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो हमेशा ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल जी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। अभी हमने पढ़ा ना कि चेंज इन फ्री एनर्जी एट इक्विलिब्रियम इज जीरो, तो डेल जी की वैल्यू जीरो है। तो यहां से आ गया जीरो बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम। तो यहां से डेल जी नोट की वैल्यू आ गई माइनस का आर टी नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम। कितना आ गया? आर टी नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम। और हमें पता है, हमने वर्क डन वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर नेचुरल लॉग को हमें लॉग टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है? 2.303 से हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो डेल जी नोट हमारे पास आ गया माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ? अब कोई रिएक्शन है हमारे पास, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। तो यहां से डेल जी नोट जो आता है वो सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट डेल जी नोट के बराबर आता है। जैसे हम करते हैं रिएक्शंस में कि चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालना है, तो क्या होगा फॉर्मूला? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। तो जो हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से ध्यान रखना है वो ये वाला रखना है डेल जी नोट का और के इक्विलिब्रियम के साथ, क्योंकि ये रिलेशन पूछते हैं कि क्या रिलेशन है और इस रिलेशन पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, यहां तक कि हमारी एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो डेल जी नोट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? माइनस 2.303 आर टी नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। कोई पूछता है गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे? द एनर्जी विच इज फ्रीली अवेलेबल फॉर डूइंग अ वर्क इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। किससे डिनोट करते हैं? जी से। एक मैथमेटिकल रिलेशन से इसको डिफाइन करते हैं कि जी बराबर एच माइनस टी एस। क्योंकि हम इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते एक्यूरेट, तो हम इंथैल्पी भी एक्यूरेट नहीं निकाल सकते और इसी वजह से हम गिब्स फ्री एनर्जी भी एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, सिर्फ हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं। तो वो क्या होता है? डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। और फिर हमने कंडीशन पढ़ी कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, और क्या कंडीशन होगी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, या जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी तो क्या कंडीशन होगी? डेल जी कितना होता है? जीरो होता है। ये हमने डिस्कस किया और हमने फिर एक रिलेशन पढ़ा कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल जी नोट और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या निकल के आया कि डेल जी नोट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ? आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज आज हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट डेल जी नोट फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन। ऑक्सीजन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? ओजोन में। तो ये दे रखा है, देखो 3/2O2 बैलेंस इक्वेशन है, गिव्स ओजोन, दोनों गैसियस फॉर्म में, 298 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है। अगर इसके लिए केपी फॉर दिस कन्वर्जन इज ये, मतलब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है, केपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर केपी, फॉर दिस कन्वर्जन इज 2.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। 2.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। तो हम क्या करेंगे? अब हमें देखना है डेल जी नोट निकालना है। अब डेल जी नोट निकालने का रिलेशन इक्विलिब्रियम के साथ, अभी हमने डिस्कस किया कि डेल जी नोट जो होता है वो होता है माइनस 2.303 आर टी लॉग इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि हमें क्वेश्चन में गीवन क्या क्या है। हमें डेल जी नोट निकालना है, के गीवन है। तो यहां से हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि हमने एक फॉर्मूला रिलेशन पढ़ा था डेल जी नोट और के के बीच में, वो रिलेशन लगा दो। अब 2.303 माइनस का इनटू आर की वैल्यू केल्विन में जूल में कितनी होती है? 8.314। टी टेम्परेचर गीवन है 298 केल्विन इनटू लॉग के की वैल्यू कितनी होगी? 2.47 इनटू 10 टू द पावर माइनस 29।
लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 163.2 किलो जूल पर मोल। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे अगला क्वेश्चन हमें बोल रखा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। एक रिएक्शन दे रखा है 2 अमोनिया प्लस सीओ टू, रिवर्सिबल रिएक्शन, यूरिया दे रखा है ना, एन एच टू सीओ एन एच टू एच टू प्लस एच टू ओ। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज डेल जी नोट एट गिवन टेम्परेचर इज दिस। तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये देखो उसका उल्टा क्वेश्चन हो गया। वहां पे हमें क्या बोलते थे, के गिवन है डेल जी नोट निकालो, यहाँ पे डेल जी नोट दे दिया, के निकालना है। तो लॉग के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लॉग के की वैल्यू हो जाएगी डेल माइनस का डेल जी नोट अपॉन 2.303 आरटी। तो लॉग के बराबर माइनस डेल जी नोट कितना दे रखा है 13.6 किलो, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13600 अपॉन 2.303, आर की वैल्यू आ गई 8.314 इंटू टेम्परेचर आ गया 298। तो ये आंसर आ गया 2.38 सॉल्व करके, ठीक है। तो के जो है लॉग इधर जाएगा, जब लॉग इधर जाएगा तो लॉग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग में। तो के बराबर हो जाएगा एंटी लॉग 2.38, जिसकी वैल्यू होती है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 2। अब मैं एक वीडियो इसके ऊपर अलग से बनाऊंगा कि हम कैसे लॉग को और एंटी लॉग को सॉल्व कर सकते हैं बिना पीरियोडिक टेबल, सॉरी बिना लॉग टेबल हम देखे, ठीक है। बिना लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल की मदद से हम कैसे लॉग और एंटी लॉग को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी लॉग और किसी भी एंटी लॉग को। तो समझ में आया कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेशन के ऊपर। अब देखिए एक जो है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस वाला क्वेश्चन पूछ कर लेते हैं। एक रिएक्शन दे रखी है, बोल रखा है CO2 प्लस C गिव्स 2CO, बैलेंस इक्वेशन है, दो कार्बन दो ऑक्सीजन, दो कार्बन दो ऑक्सीजन। इसके लिए डेल एच इंथैल्पी चेंज दे रखा है 170 किलो जूल और डेल एस दे रखा है 170 किलो जूल पर केल्विन। फाइंड द टेम्परेचर अबव विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो हमें पता है रिलेशन क्या होता है, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। स्पॉन्टेनियस होने के लिए कंडीशन क्या थी कि टी डेल एस की वैल्यू जो है वो डेल एच से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो मतलब टी जो है वो ज्यादा होना चाहिए डेल एच अपॉन डेल एस से। डेल एच की वैल्यू दे रखी है 170 किलो जूल, तो 170 की मल्टीप्लाई 1000 से कर दी, किलो का मतलब 1000, डिवाइड बाय डेल एस। डेल एस कितना दे रखा है 170, तो यहां से हमारा टेम्परेचर आ गया ग्रेटर देन 1000 केल्विन। तो अगर टेम्परेचर 1000 केल्विन से ज्यादा होगा तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को।